एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी। नींद नहीं आती थी, रोते रोते मेरा सारा वक्त कट रहा था। मैं कह रहा हूँ मैं खुशियाँ था बांट रहा, जब खुद के कंधों पे गमों का बस्ता था। वो काफी वगैरह से दिन थे, माँ कहती थी रो मत, फिर खुद ही रो जाती थी। वो पापा से लड़ती थी रात में, क्योंकि वो बेटे को खोना नहीं चाहती थी। डिप्रेशन ऑल ओवर माय बॉडी, मैं खुद ही को कहने लगा था हराम सा। जो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। तो यार ये ब्लॉग बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं मेरे इंस्पिरेशन और बहुत सारे नौजवान के इंस्पिरेशन, बाबू भैया। जी हाँ, द UK07 राइडर, उनका रियल नेम अनुराग डोभाल है। उन्होंने अभी एक गिवअवे KTM बाइक का गिवअवे का चैलेंज किया था, जिसमें वो कह रहे थे कि मतलब मेरे ऊपर वीडियो बनाओ। और जो उनका 18 सितंबर को उनका बर्थडे भी है, और उनका एक गाना आने वाला है, द UK07 कर्मा गाना आने वाला है। तो उसी को लेकर उनने कहा था कि वीडियो बनाओ, और जो सबसे बेस्ट वीडियो होगी वो उसके घर मिलने आएंगे। तो गाइस यार मुझे बाइक तो चाहिए नहीं, फिर मैं ये चाहता हूँ कि बाबू भैया यार मुझसे मिलने आए। वो मुझसे मिलने आएंगे तो उससे बड़ी और क्या बात होगी। और वो उत्तराखंड के देहरादून शहर से रहने वाले हैं, जिन्होंने ब्लॉगिंग में उत्तराखंड का नाम पूरे भारत में नहीं पूरे इंडिया में मशहूर कर दिया है। और बहुत ही डाउन टू अर्थ वाले बंदे हैं बाबू भैया हमारे। तो उनसे भी इंस्पिरेशन लेके मैंने ये ब्लॉग चैनल स्टार्ट किया। तो बात कर लेते हैं, उन्होंने अपना ब्लॉगिंग चैनल 2018 में स्टार्ट किया था। यार उनके पास बाइक नहीं थी, तो उन्होंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के अपने सपने को पूरा किया। और आज उनकी फैन फॉलोइंग देख लो, 3 मिलियन उनके सब्सक्राइबर होने वाले हैं। उनकी मदर एक हाउसवाइफ हैं और उनके फादर एक टीचर हैं। और उनके परिवार का भी यार उनको बहुत सपोर्ट रहता है। और उनके भाई हैं कलमिंग, जिनको तो आप जानते ही होंगे, वो एक रैपर हैं, जिन्होंने बाबू भैया के एक दो गाने भी रैप किए हैं। तो यार बाबू भैया की मुझे सबसे अच्छी और इंस्पिरेशन करने वाली बात ये लगती है ना कि उनके 3 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, फिर भी यार वो मतलब हर किसी से ऐसे मिलते हैं ना। बहुत बहुत बड़े यूट्यूबरों को मैंने देखा है, तो वो अपने सब्सक्राइबर से ढंग से बात भी नहीं करते हैं यार, और उनसे अच्छे से मिलते भी नहीं है। लेकिन जो आपके बाबू भैया है ना, वो हर किसी से मतलब बढ़िया से मिलते हैं। और उनके मतलब एक स्टोरी है, उनने यार बहुत मेहनत की और बहुत स्ट्रगल किया यार, तभी वो आज 3 मिलियन सब्सक्राइबर पे पहुंचे पड़े हैं। तो मैं उनके ब्लॉग देखता गया और यार बस ऐसे ही उनके ब्लॉग देख देख के उनसे इंस्पायर होता गया, और मैंने भी ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो बस यही वीडियो बनानी थी। मुझे लगता है कि शायद ये बाबू भैया की बात पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी, फिर भी मैंने कहा चलो वीडियो बना ही देते हैं, हो सकता है हमारा नंबर भी आ जाए। तो बस यही आपसे शेयर करना था। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरे ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बंद कमरों में दिल मेरा चीखा है, बहुत खुद का सगा तू रे, यहाँ कोई ना दोस्त मुझे बोले ने था क्यों।